पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी में एक बार फिर रिक्शा का कहर देखने को मिला। मयंक अपने घर से खेलने निकला था, तभी ई रिक्शा ने तेज रफ्तार से आ रहा था और उसने मासूम बच्चे को कुचल दिया, जहां उसके इलाज के दौरान लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में मौत हो गई। मयंक 5 साल का बच्चा था और अपने घर से अपने दोस्त के पास खेलने जा रहा था। उसको और परिवार को क्या पता था कि अब वो कभी घर लौट कर नहीं आ पाएगा। फिलहाल इलाके के लोगों ने ई रिक्शा और नाबालिग ड्राइवर को थाना कल्याण पुरी में कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। उधर जब हमने ई रिक्शा के ड्राइवर से बात की तो उसका कहना है कि उससे गलती से यह हादसा हो गया है, ना ही इस नाबालिग ड्राइवर के पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं था। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंगल है सर। मंगल भाई क्या बच्चे के नाम क्या बताइए? बच्चे नाम मयंक है। मयंक क्या बच्चा कहाँ पे क्या कर रहा थी? बच्चा चच्चा में खेल रहा था, बस थोड़ा देर के लिए वहाँ गया, उसने रिक्शा का बहुत तेज का टेस्ट था, उसका ने कचर दिया बच्चा। ई रिक्शा था? ई रिक्शा था। बच्चे क्या नाम है आपका? बच्चे का नाम मयंक है। क्या नाम है आपका? बच्चे क्या नाम है? मयंक नाम है मेरे बच्चे। कैसे क्या हुआ बच्चे का? गाड़ी वाला रिक्शा वाला मार दिया। तो बच्चा क्या वहाँ पे क्या कर रहा था? खेल रहा था मेरा बच्चा। अभी बच्चे की तबीयत कैसी है? पता नहीं, जाने नहीं दे रहे मुझे, देखने भी नहीं दे रहे। कैसे एक्सीडेंट किया? क्या नाम है तेरा? जुनैद नाम है। बाइक वाले के चक्कर में हो गया सर। तो तू नाबालिग को तू ई रिक्शा कैसे चला रहा है? सर पापा की तबीयत खराब रहती है, घर का खर्चा चला दो मेरी 200 रुपए देगी। तो कैसे कुचल दिया तूने? सर कुछ नहीं है, बाइक वाला आ रहा था, मैं भी रिक्शे बाइक वाले ने हल्की सी टच करी, मैंने ब्रेक मारे तो बच्चा रोड पार कर रहा था, बाइक वाले से निकल के मेरा रिक्शा पलट गया वहीं पे। लाइसेंस है तेरे पास? कुछ है? लाइसेंस वाइसेंस तब आएगा सर जी। हाँ लाइसेंस वाइसेंस तब आएगा। नाबालिग की उम्र क्या तेरा? मेरी 18 साल। लाइसेंस बनी हुई है? मेरा नहीं, पापा का है। तेरा नहीं? गाड़ी के सारे हैं। तेरे पता है लाइसेंस नहीं है? टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।